मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। राजघाट पर बापू को नमन करने के साथ आज अपने दिन की शुरुआत उन्होंने इसीलिए की है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बापू को नमन करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद अटल समाधि भी जाएंगे, वहां पर भी नमन करने के बाद वॉर मेमोरियल जाना है। ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। राजघाट जहां पर बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी कई मर्तबा राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं कई खास मौकों पर। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि चाहे जो बापू के आदर्श हो, उनके जीवन जीने का तरीका हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए उनके द्वारा किए गए काम हो, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मर्तबा कर चुके हैं। और आज जब वो इस बड़े दिन पर, इस बड़े मौके पर बापू को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये संदेश भी सीधा साफ है कि प्रधानमंत्री के जीवन में बापू की अहमियत क्या है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजघाट से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और मेरे सहयोगी रवि भी इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। रवि, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और बापू का सबसे प्रिय जो भजन होता था, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने, वो इस वक्त बैकग्राउंड में भी सुनाई दे रहा है। आप क्या तस्वीर वहाँ बाहर देख पा रहे हैं रवि? लवीना, यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि दिल्ली में राजघाट की तस्वीरें और राजघाट के बाहर की भी तस्वीरें। इसमें आप देखें कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा चाक चौबंद की गई है, लेकिन इस दौरान मैं आपको बताऊं कि अंदर की भी तस्वीरें बताऊं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि पर पहुँचे हैं, इस समय नमन कर रहे हैं। सिर्फ बापू की समाधि के पास में सिर्फ प्रधानमंत्री को भी आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब पहुँचे तो उनके साथ में जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वो हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ साथ में चलते हुए अंदर पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो काफिला है, लगभग 7:10 पर बापू राजघाट पर, बापू की समाधि पर पहुंचा और इसके बाद सदैव अटल यहां से जाने का कार्य। हम दर्शकों को दिखा देते हैं नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आप देखिए पूरे उसी भाव के साथ जैसा इससे पहले भी कई मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया है। क्योंकि समावेशी भारत में जो बापू का दृष्टिकोण रहा, उनके हर कार्य में कैसे एक झलक इस बात की दिखाई देती थी कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग भी है या आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी है, उसे भी समाज में बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी दिशा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन लेकर देश के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए वो भाव बापू के लिए कितने खास हो जाते हैं, इस तस्वीर में देखा जा सकता है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर राजघाट से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। इस संगमरमर की बनी हुई एक संरचना जो वर्गाकार है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो हरा भरा लॉन आपको दिखाई दे रहा है, कई ऐसे पेड़ यहाँ पर हैं जिसमें उन विदेशियों के नाम लिखे गए हैं, उन बड़ी हस्तियों के नाम लिखे गए हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राजघाट को देखने आए हैं, बापू को नमन करने के लिए आए हैं, जिसमें ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी शामिल है। और आप इसके महत्व को इसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा, उनकी ये कोशिश होती है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान भी आता है तो उन्हें राजघाट जरूर लेकर आए। प्रधानमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं हाथ हिलाकर देखिए कैसे उनका अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप देखेंगे हर दिन यहां पर पर्यटकों की जो भीड़ है वो देखी जाती है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी बता दें कि ये वही राजघाट है जहाँ पर जो है गांधी स्मारक संग्रहालय भी है, वहाँ पर
कई सारे ऐसे चित्र हैं। इसके अलावा फिल्म जो है वो भी दिखाई जाती है और खास तौर पर जो बापू का आंदोलन रहा उससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी है जो लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज बड़ा दिन है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज तीसरा ये मौका है जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन शुरुआत उनकी हो चुकी है, राजघाट पर वो पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि यहां पर दी उन्होंने और उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यहां पर मौजूद रहे। रवि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रवि, राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देकर मुझे लगता है यहां से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अटल समाधि जाने का उनका कार्यक्रम है, और क्या जानकारी है आपके पास रवि? नरेंद्र मोदी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ में लगभग 7:10 पर राजघाट पर आए और इस दौरान उन्होंने नमन किया। लेकिन उससे पहले मैं जो तस्वीरें यहां पर देख रहा था राजघाट पर, तमाम जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, उनका तांता लगा हुआ था राजघाट के अंदर जाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था एक अपनी जगह पे होती है, लेकिन पहले से ही नाम निर्धारित थे तो लोग अंदर पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, इसके अलावा बापू को नमन किया, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। और अब मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये राजघाट का रोड है जो कनेक्टिंग रोड है, यहाँ से राजघाट बापू की समाधि से लेकर थोड़ी ही दूर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है सदैव अटल, वहाँ पर भी नमन करने के लिए जाएंगे। और अभी सुरक्षा जो पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो पहले यहाँ से मूव कर चुकी हैं, तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचती हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वहाँ से निकलकर और सीधे इस रोड को आगे बढ़ता हुआ फिर वो अटल की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उन तस्वीरों को मैं बयां कर देती हूं। बहुत सादगी भरी ये तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई है। आप देखिए संगमरमर से बना हुआ ये, यहाँ पर आपको एक वर्गाकार संरचना दिखाई देगी और जब बापू को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी जो समाधि है हे राम वहाँ पर लिखा हुआ भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आखिर में माना जाता है जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तो आखिरी शब्द उनके हे राम थे और इसीलिए उनकी समाधि पर भी यही लिखा गया है। और बहुत सादगी पूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, बापू को नमन किया। रवि हमारे साथ है, रवि देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊँ, ये जो गाड़ियाँ हैं ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का और आगे अब बढ़ रहा है क्योंकि राजघाट भी, ये देखिए तस्वीरें कैमरा पर्सन विपिन पुजारी दिखाएंगे कि इस समय प्रधानमंत्री का जो काफिला है एक एक करके गाड़ियाँ आगे बढ़ती हुई राजघाट से बापू की समाधि पर उन्होंने नमन किया। और अब आप देखिए कि रोड के दूसरी तरफ हम लोग इस समय राजघाट पर हैं, रोड के दूसरी तरफ आप देखिए कि एक एक करके के काफिले की जो गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं अटल सदैव, और यहाँ से अब सीधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि वहाँ पर वो नमन करने के लिए पहुँच रहे हैं। वहाँ पर भी करीब 10 तक रुकेंगे, नमन करने के बाद यहाँ से निकलेंगे और पहले बापू की समाधि, इसके बाद सदैव अटल, उसके बाद वॉर मेमोरियल जो इंडिया गेट पर है वहाँ पर भी श्रद्धांजलि करेंगे और फिर इसके बाद दिन भर का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, राजनीतिक जो हलचल है वो बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि तमाम जो नेताओं से मुलाकात करें, बीजेपी के सीनियर नेताओं से, एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल यहां से जो काफिला निकल चुका है और इस समय अब पहुंच चुका है क्योंकि यहां से 2 मिनट की दूरी पर है सदैव अटल और वहां पर नमन करने के बाद फिर प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलेगा इंडिया गेट की तरफ। बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा और जानकारी आपसे मैं लूंगी। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा देते हैं न्यूज 18 इंडिया पर। पहली तस्वीर आप देखिए, पीएम ने बापू को नमन किया है यहां पर पहुंचकर, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे सदैव अटल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस कुछ किसी भी पल वो तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है जो प्रधानमंत्री सदैव अटल जा रहे हैं वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन यहां पर करेंगे। दो तस्वीरें आज की ये बहुत खास इस लिहाज से भी है, आप देखिए प्रधानमंत्री ने बापू को यहां पर नमन किया है और ये ऐसा वक्त है जब एक बार फिर से जीत मिली है एनडीए सरकार को और खुद प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में भी कैसे, चाहे महिलाओं के अधिकारों के विस्तार की बात हो, चाहे समाज में भाईचारा बढ़ाने की बात हो, वो आदर्श कहीं ना कहीं लेकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। वॉर मेमोरियल से इस वक्त संदीप बोल मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, वहां पर क्या हलचल है क्योंकि सदैव अटल के बाद प्रधानमंत्री को वहीं आना है?
बिल्कुल अवीना, प्रधानमंत्री यहीं आएंगे और इस वक्त हम लोग इंडिया गेट के हेक्सागन सर्कल पर मौजूद है और सामने आप देख सकते हैं कि कैनोपी के नीचे सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी है। वो वॉर मेमोरियल के सामने वाला इलाका है और यहाँ ही से प्रधानमंत्री का काफिला वॉर मेमोरियल की तरफ जाएगा। खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा एरिया इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से जो है, क्योंकि पीएम का जब रूट होता है, पीएम के रूट के वक्त जो है पूरा रास्ते में आवाजाही बंद कर दी जाती है। और क्योंकि अगर हम लोग इसकी खासियत की बात करें तो बहुत लंबे समय तक वॉर मेमोरियल जो है वो लटकता रहा प्रिंसेस पार्क में। इसको बनाया गया 2019 में जो है, इसको तैयार किया गया था और तब से लेकर अब तक जब भी ऐसा होता है, जब प्रधानमंत्री चाहे वो शहीद दिवस पे हो, चाहे वो 26 जनवरी के दिन हो, वो यहीं आके। ठीक है संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। सदैव अटल से ये लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पर नमन करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वॉर मेमोरियल उन्हें जाना है। इससे पहले उन्होंने नमन किया बापू को, लेकिन जबरदस्त उत्साह जो वहां पर लोग पहुंचे, आपको आवाज भी इस तस्वीर के जरिए सुनाई दे रही होगी, जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। विशेष तरीके से आप देखिए जो अटल जी की समाधि है उसे बनाया गया है। आप देखेंगे सुनहरे अक्षरों में कई सारी ऐसी कविताएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो यहां पर दीवार पर बनाई गई हैं। बताया जाता है कि ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, चारों ओर 3 मीटर की 9 दीवारें ऐसी बनाई गई हैं और ग्रेनाइट से सुनहरे अक्षरों में अटल जी की प्रमुख कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं उन्हें यहाँ पर लिखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई मर्तबा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अटल जी के जो जिस तरीके से देश को लेकर किए गए काम है वो हमेशा से उन्हें अपने जीवन में समाहित करते रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, सदैव अटल से लाइव तस्वीरें हैं और अटल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन है। और आज ये नमन इसीलिए खास है क्योंकि फिर से आज सरकार बनने जा रही है। आप देखिए वहां पर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत लोग भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। वो वहां पर देशभक्ति से जुड़े हुए नारे लगा रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि आज का दिन न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास है बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से जो सदैव अटल है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल बनाया गया है उसे बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। पर्यावरण का जब इसे बनाया जा रहा था, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया, यानी कि जो पेड़ सड़क के बीच में आ रहे थे उस पे रास्ते को ही मोड़ दिया गया, एक भी पेड़ को इस समाधि को बनाते वक्त काटा नहीं गया था। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आज एक बड़ा संदेश इस बात का भी दे रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की ही, तो वो शख्सियत जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे और वो शख्सियत जिन्होंने देश के लिए काम किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में उनकी अहमियत कितनी है, दो तस्वीरें बयां करती हुई अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर में आप देखेंगे बापू को नमन किया, राजघाट वो वहां पर पहुंचे, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए अटल जी को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। और अब यहां से मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो आगे वॉर मेमोरियल जाने का है, जहां पर संदीप बोल भी मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी एक और तस्वीर किसी भी पल आ सकती है। वहीं से संदीप बोल मौजूद है, संदीप वहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था
की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री जब भी इस तरीके के मूवमेंट वो होता है तो उनका जो डेडिकेटेड जो रूट होता है उसमें सुरक्षा ज़्यादा रहती है और उसके बाद बाकी रूट चलते हैं। लेकिन अभी सामने आप देख सकते हैं, सामने वो कैनोपी आपको नज़र आ रही होगी, उसके नीचे ग्रेनाइट के पत्थर से बनी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू है। उसके सामने का जो एरिया है वहीं से प्रधानमंत्री का काफिला वॉर मेमोरियल की तरफ जाएगा।